नमस्कार। अब तक हमने सात राशियों की बात कर ली, अब काल पुरुष की आठवीं राशि वृश्चिक, जिसका स्वामी मंगल होता है, उनकी बात कर लेते हैं। आपको मैंने कई बार पहले भी बताया कि मेष और वृश्चिक ये दोनों ही राशियां मंगल के प्रभाव में होती हैं, जो बहुत ही कर्मठ होते हैं, बहुत ज्यादा एनर्जेटिक होते हैं और जितना भी काम उनको दिया जाए उतना वो कर लेते हैं। बस कभी कभी उनको निगेटिविटी आ जाती है, क्योंकि वृश्चिक में चंद्रमा नीच का हो जाता है, इसलिए कभी कभी वो निगेटिव होते हैं, फिर वो समय निकल जाता है तो फिर सब शुभता आ जाती है। तो वर्ष 2023 प्रवेश के समय पर मंगल आपका वृष में सप्तम भाव में स्थित है, जो कि बहुत शुभ है, दाम्पत्य जीवन के लिए बहुत ही शुभ है और आगे भी आपका अच्छा रहेगा। बस आप ये ध्यान रखें कि मंगल आपके अभी वृष में चल रहे हैं, उसके बाद से वो 12 मार्च से मिथुन में चले जाएंगे, जब अष्टम हो जाएंगे, और अष्टम गए हुए मंगल थोड़ा आपको शारीरिक कष्ट दे सकते हैं। फिर वो जब मई में चले जाएंगे 10 तारीख से कर्क में, तो आपके भाग्य में आ जाएंगे, फिर वो सिंह में जाएंगे, फिर कन्या में जाएंगे। इन सभी स्थितियों में आपका स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा रहेगा और आप हर प्रकार से शुभता को प्राप्त होंगे। शिक्षा के लिए अभी तो आपका बहुत उपयुक्त समय है, क्योंकि शिक्षा के स्वामी, विद्या के स्वामी और आपके पंचम भाव के स्वामी बृहस्पति ही विराजमान है अपनी ही स्वराशि मीन में। तो बहुत अच्छा समय है आपका शिक्षा के लिए और आपके शरीर के लिए भी, क्योंकि वो पंचम भाव को अपने से, पंचम भाव भाग्य भाव को और नवम भाव शरीर को चारों चरण से देख रहे हैं, शरीर अर्थात राशि को। लेकिन ध्यान रहे, जब बृहस्पति 21 अप्रैल से मेष में राहु से युति करेंगे, उस समय पर शिक्षा में आपको थोड़ी सी कमी हो जाएगी और आपका ध्यान थोड़ा सा बटेगा। अभी भी बृहस्पति पर शनि की पूर्ण दृष्टि है, शनि जब तक मकर में है उस समय भी थोड़ा बहुत आपका चलता रहता है आगे पीछे, लेकिन जब वो इस माह के अंत तक चले जाएंगे कुंभ में और अपने घर में स्थित हो जाएंगे, उसके बाद से शिक्षा के लिए आपका बहुत अच्छा समय रहेगा। आप उच्च शिक्षा के लिए विदेश भी जा सकते हैं और आपका सब काम भी हो जाएगा। कार्य क्षेत्र के लिए भी आपका बहुत अच्छा समय है, क्योंकि आपका कार्य का स्वामी सूर्य वो दूसरे भाव में चले गए हैं, धनु में, और शास्त्र कहता है कि अगर कर्मेश दूसरे भाव में हो या राशि पर हो, उस समय पर अखंड राज लक्ष्मी योग होता है। जो भी काम आप करना चाह रहे हैं, नया प्रारंभ करना चाह रहे हैं, उसको आप अवश्य कर लें। अभी आपका समय बहुत शुभ रहेगा, आप उस काम को पूरा कर सकते हैं। नया व्यापार अगर आप करना चाहें, पढ़ाई के लिए करना चाहें, तो आपका बहुत अच्छा समय है। फिर जब मंगल जाएंगे कर्क में और फिर सिंह में, उस समय आपका समय बहुत शुभ हो जाएगा, उस समय भी आपका किया हुआ काम बहुत सफल होगा। इसके साथ ही आपका जो विवाह का संबंध है, विवाह का भी अभी आपका योग बन रहा है, क्योंकि मंगल आपके सप्तम भाव में ही बैठे हुए हैं। हो सकता है कि कहीं आपकी शादी के बाद चले और फिर अभी ना हो, ये भी हो सकता है, लेकिन उससे आप कोई चिंता मत करें। 21 अप्रैल तक आपका शादी का शुभ योग बनता है, नहीं तो फिर उसके बाद में जब बृहस्पति हो जाएंगे राहु के साथ में, फिर जब राहु से मुक्ति उनकी होगी 29 अक्टूबर से, उसके बाद में आपकी शादी का शुभ प्रसंग आएगा। जहां तक पारिवारिक दाम्पत्य सामंजस्य की बात हो रही है, तो ये समय अभी आपके लिए बहुत अच्छा है, वो उसमें बहुत शुभता आएगी और पति पत्नी में बहुत अच्छा मेल रहेगा। अब पेरेंट्स के लिए, तो पेरेंट्स के लिए भी बहुत अच्छा समय है और आप अपने पेरेंट्स का ध्यान भी देते हैं। कभी कभी आप थोड़ा सा उखड़ जाते हैं और
आपको ऐसा लगता है कि मैं ना करूं, लेकिन फिर तुरंत ही बृहस्पति आपको उस ओर खींच करके ले आते हैं, सूर्य भी और बृहस्पति भी, फिर आपका ध्यान पेरेंट्स की ओर लगने लग जाता है, जो बहुत ही शुभ बात है। चारी पदार्थ करतल ताके प्रिय पितु मातु प्राण समझा के, चारों पदार्थ धर्म अर्थ काम और मोक्ष आदमी की हथेली में होता है, जिसको पिता प्यारा हो और माँ अपने प्राण के समान, उनके आशीर्वाद से आपका सब कार्य होगा। संतान के लिए भी आपका समय अभी बहुत शुभ है, क्योंकि संतान का स्वामी ही संतान भाव में ही बैठा हुआ है, लेकिन अप्रैल से 21 अप्रैल से थोड़ी सी आपको संतान से प्रेम में थोड़ी सी कमी होगी और आप उनको जो सही गाइडेंस है वो आप नहीं कर पाएंगे, वो आपको करना चाहिए, इसका आप ध्यान रखें। धन प्राप्ति का आपका बहुत शुभ योग बना हुआ है, क्योंकि सूर्य अभी आपके दूसरे भाव में ही बैठे हुए हैं, जो आपके लिए बहुत ही शुभ है, और आगे भी मंगल जैसे जैसे स्थान परिवर्तन करते चले जाएंगे कर्क में, सिंह में और कन्या में, और उसके बाद जब वो आएंगे वृश्चिक में, उस समय भी धन का आपका बहुत ही शुभ योग बन रहा है और आप उससे परिपूर्ण रहेंगे। केतु जब चले जाएंगे 29 अक्टूबर से कन्या में, उस समय पर भी धन के लाभ का बहुत अच्छा योग बन रहा है। बस आपको इतना ध्यान देना है कि 12-14 दिन जब मंगल और केतु की युति रहेगी, उस समय पर थोड़ा आपको ध्यान रखना चाहिए, बाकी आपको धन के लिए कभी भी आपको कोई परेशानी नहीं होगी। विदेश यात्रा का तो आपका योग अभी भी बना हुआ है, क्योंकि राशि इसी आपका सप्तम भाव में बैठा हुआ, जब वो मिथुन में जाएंगे मंगल, उस समय पर भी आपका विदेश यात्रा का बहुत अच्छा योग बन रहा है। आध्यात्म की ओर आपका बहुत झुकाव नहीं रहता है, मन मन में आप मानते हैं ईश्वर को, लेकिन बहुत ज्यादा झुकाव आपका आध्यात्म की ओर नहीं रहता। मानसिक सुख आपके लिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन क्या है कि आप इतने एनर्जेटिक हैं कि जितना आपको मिलता है उससे अधिक चाहते हैं, इसलिए मानसिक सुख में थोड़ी सी कमी आपको हो जाती है। ग्रहण जो आश्विन शुक्ल में पड़ेगा, चंद्र ग्रहण, उसका प्रभाव आपके ऊपर में अच्छा होगा, लेकिन फिर भी आप उद्यदादित्य संकाशम उदारभुज विक्रमम गंधर्व कोटि लावण्यम सर्व विद्या विशारदम मंत्र का जाप आप वर्ष पर्यंत करते रहें तो आपके लिए बहुत ही शुभ होगा। हनुमान जी आपको सब प्रसन्नता देंगे, हर प्रकार से आप सुखी रहेंगे और मित्र के साथ, परिवार के साथ, संतान के साथ में आप हमेशा प्रसन्न रहें। वर्ष 2023 आपके लिए सब खुशियों को लेकर के आए, तब और आगे भी आप वीडियो देखते रहें, इसके बाद मैं धनु के विषय में बताऊंगी, तब तक के लिए नमस्कार।